नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। आइए डियर, हम लोग दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो आज हम लोग चलते हैं और कैसे हम लोग क्या करते हैं अपने सीएसएस में, हम लोग कैसे सेलेक्टर का यूज करके कैसे हम लोग अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके कैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं। ओके, तो बिल्कुल वही काम है। नोटपैड ओपन करिए और नोटपैड में हमने आपको बताया था जहाँ तक आपकी कोडिंग सेम होती है आप उस कोडिंग को रहने दिया करिए, बार बार इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एचटीएमएल ओपन किया, बॉडी ओपन किया और हेड ओपन करना है तो बिल्कुल हम यहाँ पे हेड भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे हेड भी लगा दिया। ओके, चलिए हम यहाँ पे हेड टैग भी लगा दिया और हेड टैग लगाते ही यहाँ पे हमने न्यू लाइन से क्या टाइप कर दिया डियर, हेड के बाद हमने यहाँ पे स्टाइल लग दिया। आपको पता ही है कि यहाँ पे स्टाइल टैग का बहुत ही बड़ा योगदान है, हमने यहाँ पे स्टाइल टैग को डिफाइन कर लिया। ओके, अब स्टाइल के अंदर हमको क्या रखना है आपको बात पता ही होगा। स्टाइल के अंदर हमको मान लीजिए क्या रखना है डियर, स्टाइल टैग के अंदर हमको कलर डिफाइन कर लेना है। क्या डिफाइन कर लेना है, चलो कलर हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, हमने कलर को डिफाइन कर लिया। अब कलर क्या रखना है, ग्रीन रखना है, हमने रख दिया, हमको ग्रीन रखना है, हमने ग्रीन कलर ले लिया। ओके, अब हमको फॉन्ट की साइज डिफाइन करना है, फॉन्ट की साइज डिफाइन कर लो, हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लिया। ओके, चलिए यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज डिफाइन कर लिया और फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे कितना लिया, सपोज दैट मान लिया 20 px, 20 px हमने ले लिया। ओके, चलो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ओके, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। अब स्टाइल टैग बंद कर दो, स्टाइल टैग हमारा क्लोज हो गया। स्टाइल टैग जैसे ही क्लोज हुआ हम क्या करेंगे, हेड को बंद कर देंगे। ओपन है, यहाँ पे हेड को डिफाइन कर लिया। ओके, चलिए हेड हमारा क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी ओपन कर लेते हैं। बॉडी टैग हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया डियर, अब क्या करना है, बॉडी टैग ओपन करते ही तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हेडिंग देना है। बिल्कुल आप हेडिंग दे सकते हो, हेडिंग में H1 H2 कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो H1 हमने ले लिया। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर यहाँ पे हमने दे दिया हेडिंग, हेडिंग हमने क्या दे दिया, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्टर, ओके, हमने बंद कर दिया। चलिए इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, पैराग्राफ बनाना है। बिल्कुल पैराग्राफ को बना सकते हो। चलिए हमने पी टैग यहाँ पे अप्लाई कर लिया। पैराग्राफ में क्या रखना है, चलिए दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड, दिस स्टाइल दिस स्टाइल विल बी दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी अप्लाइड ऑन एवरी एवरी पैराग्राफ। पैराग्राफ, ओके, यहाँ पे अब क्या करना है, हमको अपने पी टैग को क्लोज कर देना है। पी टैग हमारा क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे डियर, बॉडी हमारा ओपन है, हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। चलिए बॉडी बंद हो गया।
एक्सएमएल ओपन है, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, फाइल को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, फाइल का नेम दे दिया रजत डॉट एच टी एम एल, ओके। चलिए रन कराते हैं, ये हमारा रजत का फाइल है। यूनिवर्सल सिलेक्टर दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड एवरी पैराग्राफ, ओके, ये हमको मिल गया, ठीक है। चलिए और भी पैरा अगर आपको देना होता तो आप इस तरीके से पैरा को भी डिफाइन कर दिए होते। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए